पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ी पहलवान वापस से अपने अपनी ड्यूटी पर लौट गए। ये खबर आते ही टीआरपी की अंधी रेस में दौड़ते कुछ चैनल्स ने पहलवानों के प्रदर्शन और ब्रजभूषण के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई को खत्म करने का टैग ही दे डाला। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ही पहलवानों की तरफ से लड़ाई जारी रखने का संदेशा भी आ जाता है। ये खबरें बार बार उलटती रही है, पलटती रही है। खबर ये भी आती रही कि साक्षी मलिक ने जो है इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया। फिर कुछ लम्हे बाद खबर आई कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी इस आंदोलन से हट गए। तो एक बड़ा झटका माना जा रहा था, लेकिन फौरन जो है साक्षी मलिक ने जो है वो ट्वीट किया और साफ इनकार किया कि हमने इस आंदोलन से अपने आप को अलग नहीं किया है और ये आंदोलन और ये सत्याग्रह लगातार चलता रहेगा। प्रोटेस्ट करने वाले तीन मुख्य चेहरों में से एक साक्षी मलिक ने ट्विटर पर सफाई देते हुए कहा कि सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी जरूरी है, इंसाफ मिलने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार दो तीन दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूँ। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से, और ना ही हम पीछे हटे हैं, और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहां पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और लगातार तीन दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। इसके बाद कमोबेश बजरंग पुनिया ने भी इन्हीं शब्दों में अपनी सफाई दी। लेकिन आंदोलन पर मिनी ब्रेक से सवाल तो उठ खड़े हुए हैं, सवाल कई हैं। सवाल ये भी है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद खिलाड़ियों ने अपनी रणनीति बदल डाली है? क्योंकि जिन पहलवानों को धूप बारिश आंधी तूफान नहीं हिला सकी, अचानक कैसे उनका आंदोलन कमजोर पड़ने लगा? क्या इंसाफ की लड़ाई भी राजनीति का शिकार हो गई है? क्या आंदोलन में कोई और दरार आ गई है? आखिरकार पहलवानों के यूटर्न की इनसाइड स्टोरी क्या है, या फिर पर्दे के पीछे किसी और ही कहानी की पटकथा लिखी जा रही है? लड़कों से ज्यादा मेडल ला रही हैं लड़कियां, खेल में अपने हुनर को यूं आजमा रही हैं यही लड़कियां।